हेलो गाइज, एक और न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। वैसे तो जाना नहीं था क्योंकि इस समय एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 29 जुलाई से एग्ज़ाम्स हैं। तो वैसे तो जाने का कोई मन नहीं था, बट कुछ लोग हैं जिनका असाइनमेंट जमा करना था, तो इसीलिए चलना पड़ रहा है। तो आज चलते हैं और कॉलेज दिखाते हैं अपना कि कितना अच्छा कॉलेज है। कॉलेज का नाम है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बीटेक के लिए जाना माना कॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग यहीं इसी बात के साथ। और अगर आप नए हैं तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, हुआ ऐसा कि एक बंदा आया था एक लड़के के साथ जिसको एडमिशन के रिकॉर्डिंग कुछ पूछना था। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एडमिशन के लिए बहुत सारे बच्चे आए हुए थे क्योंकि गलगोटिया की दो शाखाएँ हैं, एक यूनिवर्सिटी है एक आपका गलगोटिया कॉलेज है। तो दोनों में अलग अलग से एडमिशन होता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, कॉलेज में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, बट कॉलेज में आपको काउंसलिंग के थ्रू भी मिल सकता है। ये है AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये क्या है? हाँ भाई, इसी का तो 40 लाख जाएगा। एकदम भाई, ये बंदा देखिए, ये बंदा जो है इसका 40 लाख का प्लेसमेंट लगेगा थर्ड ईयर में। ये काफ़ी तेज बंदा है। अरे थर्ड ईयर में भी लगता है। तो अभी हम चल दिए अपने लाइब्रेरी की ओर क्योंकि कुछ लोगों को बुक जमा करनी थी और हम लोग सोचे कि अगर कॉलेज आ ही गए हैं तो एक आध दो घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे लाइब्रेरी की साइड। लाइब्रेरी थोड़ी सी दूर है सेंट्रल लाइब्रेरी, ये यहाँ से चल रहे हैं और लाइब्रेरी पहुँच गया। तो दिखाते हैं लाइब्रेरी का क्या नज़ारा। देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स हैं। यहाँ पे तैयारी की भी बुक्स आपको मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक हैं, तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। देखो यार, फॉर्मेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि मैं भूल चुका था कि मेरे को ब्लॉग भी बनाना था। सबसे पहले कॉलेज में एंट्री कर लिए, बाद में याद आया कि हाँ ब्लॉग बनाना है, तो फिर उसके बाद स्टार्ट किए। तो क्या हुआ कि हम लोग जब बाहर आ रहे थे उसका वीडियो बाद में डाला हुआ है, अगली बार इसको और एक अच्छे से बना के भेजेंगे आपके लिए।
तब तक के लिए ये देखिए, मजे लीजिए, और जिसको आना हो कॉलेज में आ सकता है।